नमस्कार, स्वागत है आपका सुराज एक्सप्रेस। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर नॉन घोटाले को लेकर बयान दर्ज किए गए हैं। मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट ने बयान दर्ज कराया है। धारा 164 के तहत जेएमएफसी नीरज श्रीवास्तव की कोर्ट में बयान दर्ज किया गया। मामले में शिवशंकर भट्ट ने कई बड़े खुलासे यहां पर किए हैं। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया है कि 2013 में 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाए गए थे। फर्जी राशन कार्ड बनवाने में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व खाद्य मंत्री पुनीलाल मोहले और नान के अध्यक्ष लीला राम भोजवानी का हाथ था। शिवशंकर भट्ट ने बताया है कि 2014 में 9 लाख मीट्रिक टन चावल का स्टॉक था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों पर दबाव डालकर 10 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त उपार्जन का आदेश दिया। वहीं नान घोटाले मामले में रमन सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नागरिक आपूर्ति निगम का प्रकरण न्यायालय में है। इस मामले में जितने भी गवाह हैं, सभी गवाहों ने पहले इस मामले में अपने बयान दर्ज कराए हैं। उस समय उनके बयान क्या थे, ये न्यायालय के समक्ष है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार आने से, आपको बता दें, जिस तरह से इस प्रकरण से जुड़े गवाह अपने बयान बदल रहे हैं, ये सभी गवाह अपने बयान क्यों बदल रहे हैं, ये राज्य की जनता को अब सब कुछ समझ में आ चुका है। रमन सिंह ने कहा है कि इस मामले में शिवशंकर भट्ट का 164 के तहत बयान दर्ज नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने शपथ पत्र लेकर इसे राजनीतिक रंग दिया है। आवेदन पर कैबिनेट ने एसआईटी का गठन किया और उसके बाद ये सारे प्रकरण में एक साजिश के तहत उसको बचाने का प्रयास हो रहा है, जो मूल अपराधी है। कुल मिलाकर आज का जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है और एक अपराधी के कंधे में गोली चलाने का प्रयास है। तो आपको बता दें, यहाँ पर लगातार नए नए खुलासे नान घोटाले में हो रहे हैं। रमन सिंह एक दो और वहीं शिवरतन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें, नॉन घोटाले मामले में रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नागरिक आपूर्ति निगम का प्रकरण न्यायालय में है और इस मामले में जितने भी गवाह हैं, सभी गवाहों ने पहले इस मामले में अपने बयान दर्ज कराए हैं। उस समय उनके बयान क्या थे, ये सब रमन सिंह ने कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता आशीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, नान घोटाले में रमन सिंह का जो बयान आशीष आया है, क्या कुछ मायने इस बयान के? पॉलिटिकल रिएक्शन है ये, यदि एक तरीके से कहा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से नान घोटाले मामले के मुख्य अभियुक्त शिवशंकर भट्ट ने आज एफिडेविट देकर कोर्ट में बयान दर्ज कराया कि नान घोटाले में किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले, पूर्व आईएफएस अधिकारी कौशलेंद्र सिंह समेत अलग अलग जो किरदार हैं उनकी भूमिका किस तरीके से थी, और पूरा एक डिटेल कोर्ट में सबमिट किया है अभियुक्त शिवशंकर भट्ट ने। और इस पर एक रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन डॉक्टर रमन सिंह का था। डॉक्टर रमन सिंह ने तमाम आरोपों को खारिज किया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि चूंकि खुद एक आरोपी है नान घोटाले मामले पे, पहले भी कई गंभीर मामलों की शिकायत का दोषी पाए गए थे शिवशंकर भट्ट और जेल में भी रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के आरोप को किस तरीके से सरकार एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, ये एक राजनीतिक फायदा उठाने की कॉन्स्पिरेसी है, एक मकसद है। ये तमाम एलिगेशन डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर लगाए हैं। लेकिन इस बीच ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भले ही नान के जो नान घोटाले के मुख्य अभियुक्त शिवशंकर भट्ट ने तमाम जो आरोप लगाए हैं, इन आरोपों को लगातार कांग्रेस भी विपक्ष में जब थी तब उठाती रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब पिछले सरकार के तमाम जो किरदार नान घोटाले से जुड़े हुए थे उनको एक आने वाले दिनों में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि अब इस बयान के बाद एफआईआर आने वाले दिनों में दर्ज किया जा सके। शिवशंकर भट्ट ने आशीष रमन सिंह के साथ साथ तत्कालीन जो खाद्य मंत्री थे पुन्नूलाल मोहले, नान के अध्यक्ष श्रीराम भोजवानी, इन पर भी आरोप लगाया, बोला इनका भी हाथ था।
तमाम जो जितने भी चेहरे महत्वपूर्ण चेहरे जो इस घोटाले के पीछे सक्रिय रहे हैं उन्हें आरोपित करा दिया है शिवशंकर भट्ट ने अपने एक अपने बयान के दौरान। और न केवल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर सवाल उठा है बल्कि खाद्य मंत्री पूर्णलाल मोहले की भूमिका पर भी सवाल है, न उनके तत्कालीन जो चेयरमैन थे लीलाम भोजवानी पर भी सवाल है, इसके अलावा कौशलेंद्र सिंह जो तत्कालीन एमडी थे उन पर भी सवाल है। और बड़ा एलिगेशन तो ये भी है कि बीजेपी ने 2013 और 2014 में जो चुनाव हुए वो नान के पैसों से चुनाव लड़े, यानी नान में जो सप्लायर थे जो चना नमक चावल तमाम खाद्य सामग्रियों की जो सप्लाई करते थे उनके सप्लायर्स के जरिए ही बीजेपी को बड़ा चुनावी फंड फंड जो था वो पहुंचाया गया। सीएम हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी को भी 3 करोड़। निश्चित रूप से हम इस पूरी खबर पर आशीष नजर बनाए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी को साझा करने के लिए। और